तो भाई लोगों, तुम लोग के मन में एक क्वेश्चन तो आया होगा, जब हल्क ने स्नैप किया था तो उसे बहुत पावर लगानी पड़ी थी और उसे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, पर हल्क को फर्क क्यों पड़ा? मतलब हल्क ने कहा भी था कि वो गामा रेडिएशन से बना है और इन्फिनिटी स्टोन से निकलने वाली एनर्जी भी गामा है, तो हल्क को इतना फर्क क्यों पड़ गया स्नैप करते टाइम? तो इस सब के पीछे तीन रीजन है जिन्हें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाई लोग, इस सब की शुरुआत होती है थैनोस के साथ। सबसे पहले थैनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट किया, उसके बाद उन्हें इन्फिनिटी गोंगलेट में डालकर उसने स्नैप करके अर्थ की 50% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया, जिसके बाद अपने एवेंजर्स पास्ट में जाके दोबारा इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके ले आते हैं दोबारा स्नैप करने के लिए। लेकिन इनके पास थैनोस की तरह इन्फिनिटी गोंगलेट नहीं होता, तो ये खुद का ही एक इन्फिनिटी गोंगलेट बना लेते हैं। पर जैसा हमें पता है, बाकी सुपर हीरोज कहते हैं कि स्नैप मैं करूंगा। उसी बीच हल्क भैया आकर इन्फिनिटी स्टोन्स की रेडिएशन समझाते हैं कि कितनी पावरफुल है इसकी रेडिएशन, और डिसाइड करते हैं कि स्नैप वो करेंगे क्योंकि वो खुद गामा रेडिएशन से बने हुए हैं। तो वापस से सवाल वही आ गया कि गामा रेडिएशन से अगर हल्क बना हुआ है तो उसको स्नैप इतना इफेक्ट क्यों कर गया? का पहला रीजन है, हल्का स्नैप बिल्कुल अलग था थैनोस के स्नैप से, और माना जाए तो डिफिकल्ट भी था, क्योंकि थैनोस को बस पॉपुलेशन खत्म करनी पड़ रही थी और वहीं हल्क को उसका उल्टा करना पड़ रहा था। मतलब उसे लोग वापस लाने थे, जिसके लिए उसे सोल स्टोन की पावर को ब्रेक करना पड़ रहा था। और हल्क जब सारे लोगों को वापस ला रहा था तो उसने ब्लैक विडो को भी लाने की कोशिश की थी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। हल्क कहता भी है कि उसने नताशा को वापस लाने का ट्राई किया था। तो इस सब की वजह से हल्क को काफी जोर लगाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसे इतनी मुश्किल हुई थी स्नैप करते टाइम। हल्के स्नैप में प्रॉब्लम का दूसरा रीजन था उसका इन्फिनिटी गोंगलेट। वैसे तो टोनी स्टार्क काफी जीनियस है, इसमें कोई शक नहीं, पर टोनी स्टार्क पर मटेरियल अवेलेबल नहीं थे जो कि इटरी पर थे। अगर तुम्हें इटरी का ना पता हो तो बता दूं, ये वही बोने हैं जिन्होंने एसगार्ड के किंग्स को वेपन्स बना के दिए थे, जैसे कि म्यूनिर, स्टॉर्मब्रेकर और थैनोस का इन्फिनिटी गोंगलेट भी इन्होंने ही बनाया था। तो इस सबको बनाने में लगा था उरू मेटल, जो कि वाइब्रेनियम से बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। रेफरेंस के लिए एंड गेम का वो सीन याद करो जिसमें थैनोस ने उरू मेटल की बनी सॉर्ड से अटैक किया था कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम शील्ड पे और उसे पूरा तोड़ दिया था। तो जिस इन्फिनिटी गोंगलेट से हल्क ने स्नैप किया था वो बना था वाइब्रेनियम का, जिसकी वजह से वो इतना ड्यूरेबल नहीं था जितना इन्फिनिटी गोंगलेट था थैनोस के पास। और हल्क के स्नैप में प्रॉब्लम का तीसरा रीजन था उसकी बॉडी स्ट्रेंथ। मतलब हल्क थैनोस जैसा नहीं है। हाँ, देखा जाए तो हल्क काफी स्ट्रांग है, मस्कुलर है, टफ है थोर की तरह, पर थैनोस ज्यादा ड्यूरेबल है हल्क से। जैसा हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था, जब 1v1 फाइट होती है इन दोनों के बीच। तुम्हारा इस पर्टिकुलर वीडियो पे क्या मानना है कमेंट में बता देना। अगर वीडियो में एंड तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मार्वल से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।